हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आईपीएल से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब टीम के बारे में कि उनके खिलाड़ियों को लेकर क्या बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। इसके अलावा आईपीएल से जुड़ी कुछ अहम खबरों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, और अगर आप भी पंजाब टीम के और क्रिकेट के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम पंजाब टीम से और क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट्स आपको देते रहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब टीम के नए कप्तान मयंक अग्रवाल के बारे में। जैसा कि मयंक अग्रवाल को पंजाब टीम ने आईपीएल 2022 में अपना नया कप्तान चुना है। ऐसे में पंजाब टीम के लिए मयंक अग्रवाल का फॉर्म में रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके फॉर्म से पंजाब टीम को काफ़ी फ़ायदा होगा आईपीएल 2022 में, और इसके अलावा वो पंजाब टीम को लीड भी करेंगे। तो ऐसे में आप सभी लोगों को बता दूं, इंडिया वर्सेज श्रीलंका का दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। ऐसे में पहले टेस्ट मैच में मयंक अग्रवाल ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया था, और कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि दूसरे टेस्ट मैच में वो कुछ अच्छा करेंगे, एटलीस्ट एक सेंचुरी या हाफ सेंचुरी की पारी खेलेंगे। पर पहली इनिंग में उन्होंने मात्र 4 रन बनाए 7 गेंदों पे और रन आउट हो गए। ऐसे में दूसरी पारी इंडियन टीम की जब शुरू हुई बल्लेबाजी की, तो दूसरे पारी में उन्होंने सिर्फ 22 रन बनाए। हालांकि 5 चौके उसमें लगाए और काफ़ी अच्छे टच में दिख रहे थे, पर कहीं ना कहीं फिर से उन्होंने अपने अच्छी पारी को एक बड़े स्कोर में भुना नहीं पाए और आउट हो गए। तो ये मयंक अग्रवाल का स्कोर था पहले और दूसरे टेस्ट मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, 150 तक नहीं लगा पाए। पर उम्मीद है कि आईपीएल 2022 में वो कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि आईपीएल 2022 में उनके ऊपर बल्लेबाजी के साथ कैप्टनसी का भी जिम्मेदारी रहेगी। हालांकि पिछले कुछ सालों से वो केएल राहुल की कप्तानी में खेल रहे थे, पर इस साल वो खुद कप्तान है पंजाब टीम के, और कहीं ना कहीं पंजाब टीम से खेलते हुए उनका ये 5वां सीजन भी है। 2018 में ज्वाइन हुए थे, तो पंजाब की टीम चाहेगी कि उनका फॉर्म में रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि पंजाब टीम के मिड ऑर्डर की बात करें तो कहीं ना कहीं मयंक अग्रवाल को नया रोल मिल सकता है। वो इस साल हमें ओपनिंग करते हुए नहीं दिखेंगे, हो सकता है 3 नंबर पर बल्लेबाजी करें पंजाब टीम के प्लेइंग 11 में। और इसके अलावा पंजाब टीम के पास जॉनी बेस्टो का भी एक अच्छा विकल्प है, जो 3 नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। हालांकि जॉनी बेस्टो आईपीएल में ओपनिंग ही की है, और ओपनिंग में उनका काफ़ी अच्छा है एवरेज और स्ट्राइक रेट रहता है, तो कहीं ना कहीं मयंक अग्रवाल को पंजाब की टीम 3 नंबर पर खिला सकती है। हालांकि मयंक अग्रवाल भी ओपनिंग ही किए हैं अभी तक आईपीएल में, और 3 नंबर पर क्रिस गेल खेलते थे। तो ऐसे में हो सकता है कि पंजाब की टीम नया रोल दे मयंक अग्रवाल को 3 नंबर पर। अगर 3 नंबर पर वो खेलते तो उनके ऊपर मिडल ऑर्डर की सारी जिम्मेदारी रहेगी, और कहीं ना कहीं पंजाब टीम को मिडल ऑर्डर में एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो स्पिन को अच्छा खेले। हालांकि जॉनी बेस्टो भी कुछ हद तक अच्छा खेल लेते हैं, पर रिकॉर्ड देखा जाए तो एक भारतीय बल्लेबाज जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं आईपीएल में, उसके तौर पर मयंक अग्रवाल को पंजाब की टीम 3 नंबर पर खिलाएगी। तो कहीं ना कहीं इनका फॉर्म में रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा पंजाब टीम के लिए। और जैसा कि हाल ही में पहला और दूसरे टेस्ट मैच हुआ इंडिया वर्सेज श्रीलंका का, उसमें इन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया। हालांकि इनके पास समय भी था, और पहली पारी में इंडिया की टीम जल्दी ऑल आउट हो गई 252 रनों पर, और दूसरी पारी में लगा था कि मयंक अग्रवाल कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि उनकी ये आखिरी पारी हो सकती है आईपीएल 2022 शुरू होने के पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में या टेस्ट मैच में बात किया जाए तो। तो ऐसे में उन्होंने कुछ खास तो नहीं किया, पर पंजाब टीम से खेलते हुए हो सकता है आईपीएल 2022 में मयंक अग्रवाल कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उनका आईपीएल में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहता है और हर साल वो आईपीएल में खूब रन भी बनाते हैं। और इसके अलावा आप सभी लोगों को एक और अपडेट देना चाहूँगा। जैसा कि आईपीएल 2022 आईपीएल का 15वां सीजन माना जा रहा है, और इस साल तो मेगा ऑप्शन भी हुआ है। हर साल ऑप्शन होता था, इस साल मेगा ऑप्शन नया नाम दिया गया और बड़ा ऑप्शन हुआ है। ऐसे में आईपीएल की सभी टीमें नई जर्सी अपनी लॉन्च कर दी हैं। तो ऐसे में आप सभी लोग बता दूँ, पंजाब टीम की नई जर्सी हमें आने वाले कुछ दिनों में अपडेट्स आ जाएगी। हालांकि उसकी एक फ़ोटो वायरल हो रही है, लीक हो गया एक फ़ोटो जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पंजाब टीम की जर्सी कुछ इस तरह होने वाली है। पंजाब टीम के टाइटल स्पॉन्सर की बात करें तो आईपीएल 2022 में भी पंजाब टीम का टाइटल स्पॉन्सर हमें ईबिक्स कैश दिखने वाला है। इसके अलावा प्रिंसिपल स्पॉन्सर की बात करें तो प्रिंसिपल स्पॉन्सर में पंजाब टीम की तरफ से हमें बीकेटी ग्रोइंग टुगेदर और लोटस हर्बल समेत दिख सकते हैं। तो ये पंजाब टीम की सबसे बड़ी अपडेट्स आ रही थी। हालांकि आने वाले कुछ दिनों में हमें पंजाब टीम की नई जर्सी दिख सकती है अपडेट्स की माने तो। और इसके अलावा आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जैसा कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी टीम के खिलाफ पंजाब टीम का पहला मुकाबला है, और जैसा कि कल मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि आरसीबी टीम ने अपने नए कप्तान का नाम ऐलान कर दिया है। फाफ डुप्लेसी आरसीबी टीम को लीड करेंगे आईपीएल 2022 में। ऐसे में आरसीबी टीम की नई जर्सी भी लॉन्च हो गई है, तो जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आरसीबी टीम की नई जर्सी होने वाली है आईपीएल 2022 में। इसके अलावा आप सभी लोग बता दो, जैसा कि चेन्नई सुपर किंग में एक नए खिलाड़ी की एंट्री हुई है, जैसा कि वो खिलाड़ी है जॉस लिटिल। आप सभी लोग बता दो, जॉस लिटिल आयरलैंड के तेज गेंदबाज है और
चेन्नई सुपर किंग ने 2022 के लिए इनको नेट गेंदबाज के रूप में चुना है अपने टीम में, और ये चेन्नई सुपर किंग के नेट गेंदबाज रहेंगे आईपीएल 2022 में। और इसकी सूचना आयरलैंड टीम के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके दिया गया, और अब सभी लोग बता दो, उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ये बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के लिए एक शानदार अनुभव होगा। आईपीएल 2022 26 मार्च से शुरू हो रहा है और सीएसके गत चैंपियन के रूप में प्रतियोगिता में कदम रखेगा। तो ये पंजाब टीम के नए कप्तान महेंद्र अग्रवाल को अगर बड़ी अपडेट्स आ रही थी, जैसा कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका का पहला टेस्ट मैच हुआ और उसमें भी कुछ खास नहीं कर पाया, दूसरे टेस्ट मैच में भी। इसके अलावा आरसीबी टीम ने अपनी नई जर्सी लॉन्च कर दी है और आने वाले कुछ दिनों में पंजाब टीम की भी नई जर्सी दिख सकती है, टाइटल स्पॉन्सर इविक्स कैश जहाँ तक होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना मत भूलिएगा। और अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम पंजाब टीम से और क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट्स आपको देते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।